गाइस तो कैसे हो सभी। आज मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से पांडा माउस प्रो में जो जॉयस्टिक प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो किस तरह मेरा जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी कट मत करना और पूरा देखना, नहीं तो समझोगे नहीं। तो गाइस बढ़ते हैं पहला स्टेप की तरफ। पहला जो स्टेप है पांडा माउस प्रो या ब्लू स्टिक का जो लोगो होता है उसमें टैप करना। टैप करने के बाद साइड वाला जो बोतम होता है ना उसको राइट साइड में बिल्कुल भी फाका जगह पर रखना, जी जहाँ पर कोई की नहीं है। और जॉयस्टिक को थोड़ा सा बड़ा रखना, ज़्यादा बड़ा मत रखना और थोड़ा सा बड़ा रखना और ज़्यादा छोटा भी मत रखना। अभी बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा जो स्टेप है गेम की जो बटन होता है ना जाम बटन, सीट बटन वगैरह वगैरह वो सभी लेफ्ट साइड लेके आना और कोशिश करना कि राइट साइड में ज़्यादा बटन ना रहे। अभी बढ़ते हैं हमारा तीसरा स्टेप की तरफ। और जब भी जॉयस्टिक प्रॉब्लम दिखाई देगा तो तभी एक बार माउस कर्सर को शो करके हाइड कर देना, देखोगे सही हो जाएगा। और बीच बीच में इस तरह माउस कर्सर को हाइड एंड शो करते रहना। आई होप गाइस समझ गए होंगे। जल्दी से जाके 3 स्टेप को फॉलो कर लो, जॉयस्टिक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा।